वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 10th के ABS एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर के बारे में। तो इसके अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी तक अबाउट द एसिड एंड द बेस। अब हम बात करेंगे अबाउट द सॉल्ट्स। यस, एसिड और बेस के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट आपके पास क्या होता है? ठीक है, एसिड बेस हम सब पढ़ लिया, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सॉल्ट के बारे में। तो एसिड और बेस बहुत इंपॉर्टेंट थे। जिसने अभी तक नहीं पढ़े है वो आई बटन को क्लिक करे और पढ़कर आए, क्योंकि अगर एसिड बेस नहीं पढ़े तो सॉल्ट पढ़ ही नहीं सकते। रीजन बिहाइंड है क्योंकि जो हमारा सॉल्ट है, सॉल्ट को हम पढ़ना ही यही स्टार्ट करते हैं कि जब हमारा एसिड बेस के साथ सॉल्ट सिर्फ कॉमन सॉल्ट नहीं है, सॉल्ट हमारे पास बहुत तरह के होते हैं। जब भी कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो वो हमेशा क्या बना देगा? सॉल्ट बना देगा। यस, तो सॉल्ट कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है। आप कहो भी सॉल्ट कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो अ सॉल्ट, बस वही एक सॉल्ट नहीं है, बहुत सारे सॉल्ट है। तो क्या बोला? एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट कर देते हैं, ये रिएक्शन हमने एसिड में भी पढ़ी थी, बेस में भी पढ़ी थी, दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये जो हमारा सॉल्ट ऑब्टेन हुआ है, जो हमें सॉल्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यही हमारे पास, मतलब कोई भी कितने सारे एसिड और कितने सारे बेस है, जब वो आपस में रिएक्ट होंगे तो हमेशा क्या देगा? सॉल्ट देगा। इसका मतलब सॉल्ट बहुत ज्यादा तरह के हमारे पास फॉर्म होते हैं। तो सॉल्ट क्या है? सॉल्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? सॉल्ट। एग्जाम्पल ले लिया NaCl, CaCl2, MgCl2, सब क्या है? सॉल्ट है। ठीक है, KCl, फिर हमने पढ़ा Na2SO4, Na2CO3, मतलब जो भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है वो हमेशा क्या दे देता है? सॉल्ट दे देता है। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, तो ये सब हमारे पास किसके अंदर कंसीडर होते हैं? ये कंसीडर होते हैं सॉल्ट के अंदर। अब बोला, जैसे हमने सबसे पहले वर्ड ही सॉल्ट पढ़ा, इस सॉल्ट की फैमिली भी होती है। ये सबकी फैमिली होती है, तो इसकी क्यों नहीं होगी? दिस इज नोन एज फैमिली ऑफ सॉल्ट। फैमिली ऑफ सॉल्ट हमारे पास क्या होते हैं? फैमिली ऑफ सॉल्ट किसको बोलते हैं? अब फैमिली में कॉमन होता है कुछ ना कुछ, तो तभी उनको एक फैमिली बोलते हैं। तो क्या चीज ऐसी होती है जो एक फैमिली में क्या होती है? कॉमन होती है। सोचो क्या होता है ऐसा? यस, आया ना दिमाग में? कॉमन होता है हमारा सरनेम, है ना? लाइक सबका एक पर्टिकुलर सरनेम होता है, और वो सरनेम आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके भाई, आपकी बहन, या आपके जो भी सिबलिंग्स हैं, उन सबका क्या होता है? सेम होता है। तभी हम उनको कहते हैं ये एक फैमिली है, है ना? लाइक वी आर ठकराल्स, तो हमारी क्या है? ठकराल्स फैमिली है। तो ऐसे ही सबकी एक क्या होती है? फैमिली होती है। तो अब बोला, जो ये फैमिली है ये कैसे बनेगी? इसके अंदर हम सॉल्ट की फैमिली में बोलेंगे या तो केटायंस या फिर एनायंस, दोनों में से एक चीज क्या होगी? सेम होगी। आगे वाला पार्ट या पीछे वाला पार्ट हमेशा अगर सेम होगा तो उसी को हम उसकी फैमिली बोल देंगे। लाइक बोले सोडियम फैमिली, ठीक है, तो मतलब उन सब में क्या कॉमन होगा? सोडियम कॉमन होगा, सोडियम फैमिली। तो सोडियम फैमिली में सब चीज सोडियम, जैसे Na2CO3, Na2SO4, है ना, Na3PO4, कुछ भी हो सकता है हमारे पास, NaCl, सब में क्या कॉमन? सोडियम सोडियम सोडियम। तो सोडियम सब में कॉमन आया, तो
इसका मतलब दिस इज नोन एज सोडियम फैमिली। क्लोरीन आया था अभी हमारे पास KCl, NgCl2, ZnCl2, हमारा NaCl, सब में कॉमन है क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। तो ये हमारी हो गई क्लोरीन फैमिली। ठीक है, तो सोल्ट बेसिकली क्या है हमारे पास, जो एसिड या बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। कोई भी एसिड अगर बेस के साथ मिल जाएगा तो वो हमेशा क्या बना देता है, सोल्ट बना देता है। साथ ही साथ हमारे पास क्या होता है, जो ये सोल्ट बनते हैं हमारे पास, उन सोल्ट के अंदर क्या होता है हमारे पास, एक चीज कॉमन होती है, तो कैटायन या एनायन, और उनसे हम उसकी क्या बना देते हैं, फैमिली। अब बात आती है इसका नेचर क्या होगा। एसिड का नेचर हमने बता दिया था, विच इज सोर इंटीज, बेस का विच आर बीटर इंटीज। तो सोल्ट सोल्टी ऐसा तो नहीं कह सकते ना। सोल्ट हमारे पास क्या है, सोल्ट हमारे पास एसिडिक नेचर का भी होता है। टाइप्स ऑफ नेचर पढ़ रहे हैं, एसिडिक नेचर का भी होता है सोल्ट हमारे पास, बेसिक नेचर का भी होता है हमारे पास, और न्यूट्रल भी होता है। तीनों चीजें होता है हमारे पास, एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है, और न्यूट्रल भी होता है। अब बात आई एसिडिक कब होगा, बेसिक कब होगा, और न्यूट्रल कब होगा। आपने बोला कि हमारा एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है तो देता है सोल्ट एंड वाटर। अब कौन से एसिड के साथ रिएक्ट होगा जिससे सोल्ट एंड वाटर मिलेगा। एसिड स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं। तो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, इफ वी हैव स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस अगर आपस में मिलेंगे तो जो सोल्ट ऑब्टेन होगा वो कौन सा सोल्ट ऑब्टेन होगा, एसिडिक सोल्ट। उस सोल्ट का नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक बात, कैसे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल सबने पढ़ा है, क्या होता है HCl, वीक बेस क्या होता है NH4OH, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, बनता क्या है NH4Cl प्लस H2O, दिस NH4Cl इज एमोनियम क्लोराइड। NH4Cl क्या है, एमोनियम क्लोराइड, एंड दिस एमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक इन नेचर। ये एमोनियम क्लोराइड हमारे पास क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अब आया बेसिक, बेसिक क्या होगा, जैसे लिया एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर, तो ये एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है, तो कौन सा बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड कौन सा सॉल्ट देगा, बेसिक सॉल्ट दे देगा। ठीक बात, तो वीक एसिड का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो क्या बन जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, दिस सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर। ये नेचर में क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक बात ना, फिर आया न्यूट्रल कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट होता है तो न्यूट्रल सोल्ट मिलता है, प्लस में वाटर हो गया हमारे पास। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड इज व्हाट HCl, स्ट्रॉन्ग बेस इज व्हाट NaOH, तो ये हमारे पास क्या दे देगा NaCl प्लस H2O। ऐसे वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट होगा तो भी क्या देगा, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। वीक एसिड क्या होता है हमारे पास, यस H2CO3, वीक बेस NH4OH, तो ये हमारे पास क्या बनाएगा NH4O2CO3 प्लस H2O, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, बट एसिडिक चाहिए तो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, बेसिक चाहिए तो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। ठीक है, तो इसके एक एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, कई बार पेपर में पूछे जाएंगे एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल दो तो एमोनियम क्लोराइड, बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल दो तो क्या देंगे NA2CO3,
न्यूट्रल का तो NaCl तो सबको याद है ना। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होगा, सोल्ट होता क्या है एक्चुअल में, और सोल्ट के नाम आपको जो याद रखने हैं, साथ में इनका नेचर, साथ में इनके नेम्स। इसके बाद बेसिकली हमारे पास पांच सोल्ट आते हैं जिनकी हमें प्रिपरेशन पढ़नी है, यूजेस पढ़ने हैं, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, और उन पांचों में से एक सोल्ट आपके पेपर में पूछा जाएगा कि इस सोल्ट के बारे में सब कुछ डिस्क्राइब कीजिए। तो इसको देखने के लिए वीडियो को, अगली वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। थैंक यू।